स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी नंबर को डबल डिजिट से कैसे डिवाइड किया जाता है। सपोज आज हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को 99 से। उसका पहला बेसिक स्टेप है, आपने उसका सिंगल डबल हाफ करना। सिंगल डबल हाफ मीन्स 99 को 1 से मल्टीप्लाई करना, डबल में 2 से करना और हाफ में 5 से करना। 5 से क्यों करना मैं आपको बताता हूँ। जब 99 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आएगा 99, 2 से करोगे वो इसका डबल हो जाएगा 198, 5 से करोगे 99 का हाफ करना आपने, इसका हाफ आ गया 49.5, आपने डेसिमल हटा देना, 495 इसका आंसर आ गया। ये हो गया इसका सिंगल डबल हाफ। अब अगर कोई एक सम है, सपोज 8415 डिवाइडेड बाय 99। अब देखो इसको वाकस के ऊपर हम कैसे करेंगे। इसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले हम इधर डिजिट्स काउंट करेंगे। इधर 4 डिजिट्स हैं और इधर डिवीजन का साइन इसके साथ काउंट करने, इधर 3 डिजिट्स हैं। इन तीन दोनों माइनस किया, आंसर आ गया 1। अपने वंस की राड के ऊपर क्वेश्चन सेट करना, यही है वंस की राड आपकी। इसके ऊपर क्वेश्चन सेट करो 8415, ये आपका क्वेश्चन सेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, आपने देखना है कि आपने डबल डिजिट क्या है 99, आपने इसको डिवाइड करना है 84 से। 84 छोटा नंबर है, फिर आंसर आपका सेट होगा नेक्स्ट राड पे। नेक्स्ट राड ये वाली है, जब भी आंसर नेक्स्ट राड पे आएगा आप इसके फिर तीनों नंबर लोगे। अब आपने इसको डिवाइड करना है 841 को 99 के साथ। डिवीजन में आपने यही तीन नंबर लेने, सिंगल डबल हाफ वाले। आपने देखना है कि सबसे पास वाला नंबर कौन सा है। 99 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 495। आंसर वाली राड पे 5 सेट किया, इसमें से 495 माइनस कर दिया, 495 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। इसके बाद हमारे पास डबल में फिर नंबर है 34। आंसर इसका मतलब नेक्स्ट राड पे आएगा। जब भी आंसर नेक्स्ट राड पे आना तो हमने तीनों राड्स लेनी है। 346 आपका नंबर है। अब इसके सबसे पास वाला नंबर है 2 से। 2 इधर आंसर वाली राड पे 2 सेट कर दिया, इधर से 198 माइनस कर दिया, 198 आपने माइनस कर दिया। अब फिर डबल में हमारे पास नंबर है 14, इसका मतलब आंसर नेक्स्ट राड पे आएगा। लेकिन हम तीनों राड्स लेंगे 148, इसका मतलब इसका सबसे पास वाला नंबर है 1 सेट कर दिया और इधर से 99 माइनस कर दिया, 99 माइनस कर दिया। अब हमारे पास बच गया नंबर 49, इसका मतलब आंसर नेक्स्ट राड पे आएगा डबल डिजिट में, लेकिन तीनों नंबर लेंगे 495। अब आंसर वाली राड पे 5 सेट कर दिया, नेक्स्ट राड पे 495 माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 85। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर जरूर लिखना है, और कुछ रिमाइंडर बचता हो तो वो लिखना, नहीं बचता हो तो 0। हमारे पास अब ये नंबर है 5643, इसको 99 से डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप हो गई, क्वेश्चन कौन सी राड पे सेट होगा, 4-3 वंस की राड पे सेट होगा। वंस की राड पे क्वेश्चन सेट करो 5643, क्वेश्चन सेट हो गया। अब डबल डिजिट में देखो हमारे पास नंबर क्या है 56, 99 से छोटा, आंसर नेक्स्ट राड पे आएगा। जब भी मैंने बोला आंसर नेक्स्ट राड पे आएगा, आपने तीनों राड्स भी ले लेनी है, तीनों राड के नंबर 564 पापा ये नंबर है। इसके पास वाला नंबर है 5 से, 99 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर है। अब आंसर वाली राड पे 5 सेट करो, इधर से 495 माइनस करना है, 495 माइनस कर दिया। अब हमारे पास नंबर है डबल डिजिट में 69, ये फिर 99 से छोटा है, आंसर इसका मतलब नेक्स्ट राड पे आएगा। और लेकिन तीनों राड्स लेंगे 693, इसके सब पास वाला नंबर फिर 5 वाला है, इसको 5 सेट करेंगे, इधर 495 माइनस कर देंगे, 495 माइनस कर दिया। अब हमारे पास नंबर बच गया डबल राड में 19, फिर ये छोटा है, आंसर नेक्स्ट राड पे आएगा। ट्रिपल राड पे नंबर बच गया 198, 2 से चल रही है, एग्जैक्टली हो रहा है, आंसर वाली राड पे 2 सेट किया, इधर 198 माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 57। रिमाइंडर कोई नहीं बच रहा, इसके आगे वाली राड पे अगर कोई नंबर बचेगा तो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कोई नहीं है तो ये आपका आंसर आ गया 0। इसी तरह से मैं एक और सम आपको लेके बताता हूँ। सपोज हम सम लेते हैं
26 डिवाइडेड बाय 99। फर्स्ट स्टेप वही, इधर डिजिट्स काउंट करो, 4 माइनस 3। वंस की राड पे क्वेश्चन सेट होगा, वंस की राड पे क्वेश्चन सेट करो, 7 3 2 6 क्वेश्चन सेट हो गया वंस की राड पे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही डबल डिजिट देखो, 73 99 से छोटा आंसर कौन सी राड पे आएगा, नेक्स्ट राड पे। तो हम लेके 73 99 से डिवाइड नहीं होता, हम नेक्स्ट नंबर भी ले लेंगे 732। इसके सबसे पास वाला डिवीजन का नंबर है 5 वाला, 5 सेट की आंसर वाली राड पे 495 माइनस कर दिया, 495 माइनस कर दिया। अब हमारे पास नंबर बच गया 23। ये फिर छोटा आंसर नेक्स्ट राड पे आएगा, हम दोनों तीनों राज लेंगे 237। अब इसके पास वाला नंबर 2 है, 2 सेट किया, इधर से 198 माइनस कर दिया, 198। अब हमारे पास नंबर है 39। फिर छोटा आंसर नेक्स्ट राड पे सेट होगा, लेकिन सबसे पास वाला नंबर है, तीनों राड का नंबर बना 396। फिर 2 से सेट होगा, आंसर वाली राड पे 2 सेट किया, 198 माइनस कर दिया। अब फिर हमारे पास नंबर बच गया 19। फिर छोटा है इससे, फिर आंसर नेक्स्ट राड पे होगा, 198 हमारे पास नंबर बन रहा है, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 सेट किया, 198 माइनस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 74। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसके आगे, 74 रिमाइंडर 0। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से मुझे मैसेज करना, मैं फिर से नया वीडियो भेजूंगा।